ये जो छोटे छोटे ग्रास है ना, इसी से जॉन्डिस को क्योर किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दिखाओ वीडियो में कि कौन सा वाला है। यहाँ पे आज जो है थोड़ी बहुत खुशी वाली माहौल हो गई है, क्योंकि ये लोग का हेल्थ जो है काफी सुधार आया है। और भी लग रहे हैं देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बिल्कुल, और कुछ दिन के बाद बड़े बड़े हो जाएंगे। अभी चम्मच से छील रहा हूँ, ये मेरा तकनीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फाइनली धूप दे दिया, एकदम करकता भरकता धूप, लेकिन धूप देने से भी काफी गर्मी है, बस ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही है। तो आज जो है जेरी और दीदी का थोड़ा सा तबीयत अभी रिकवर हो रहा है, बहुत मतलब चेंजेस आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, क्योंकि कल जो है बहुत सारी चीज़ें खाए उन लोगों ने, जो स्टार फ्रूट वगैरह वो सब मतलब जॉन्डिस को बहुत ठीक कर देते हैं। और जो जारपुक का काम है वो भी चल रहा है, जो लोकल जड़ी बूटियाँ हैं वो सब कुछ मतलब चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ दुकान में, दुकान से लेके आऊँगा अंडे, क्योंकि मंजिता को खाने के लिए कुछ है नहीं है, और एक तो भैया आए हैं तो उसको भी यहाँ पे लंच खिलाना है। मम्मी के लिए कुछ चोकल लोकल जड़ी बूटियों का काम ही है, वो सब मतलब करता है, गाँव में चलता है, तो वो करने के लिए तो उसको भी लंच खिलाएंगे, इसलिए अंडा लेने जा रहा हूँ मैं दुकान से। धूप देने से कितना मस्त है, देखिए वीडियो क्वालिटी कितना मस्त आती है। और बुज्जे को देखो कहाँ से घूम के आ, कहाँ से आ रहे हो बुज्जे, इतना घूमते हो इतनी धूप में, जाओ घर में चला जाओ। आया था दुकान पे अंडा लेने के लिए, अंडे तो मिले नहीं, लेकिन मामी ने एक कुकुम्बर दिया और मम्मी के लिए एक दवाई, जो वो दूंगा कहते हैं ना जो जलाते हैं पूजा वगैरह में, तो वो वाला चाहिए था एक छोटा सा टुकड़ा, ये देखिए दवाई के लिए, तो वो ले लिया है। अभी मैं घर पहुंच गया दोस्तों, और यहाँ पे भैया जो है पूजा वगैरह जो भी है कर रही है। अभी मम्मी को जो वो पानी से नहाना पड़ेगा, तभी इसकी बीमारी वगैरह जो भी है वो सब धुल जाएंगे। और यहाँ पे देखो दोनों पूरा लेती हुई है और फोन पे बात कर रही है। अभी कल के कंपेयर में काफी सुधार आई है दीदी का भी और इसका भी। जेरी को देखो पूरा फोन पे बात कर रही है, घर पे लेमन जूस पी रही है, लेमन जूस बना दिया है मैंने, पियो और बात करो, लेमन जूस बना दिया पियो। अभी जो जॉन्डिस झाड़ने वाला भैया भी पहुंच चुके हैं, तो मुझे जो दवाई है ना जो जड़ी बूटी उसे तोड़ के लाना पड़ेगा। अभी आप लोग को भी दिखाता हूँ कहाँ से तोड़ के लाता हूँ मैं। यहाँ पे रहा ये छोटी सी जंगल है ना, यहीं पे है वो वाला ग्रास, ये देखिए ये जो छोटे छोटे ग्रास है ना, इसी से जॉन्डिस को क्योर किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दिखाओ वीडियो में कि कौन सा वाला है, ये चाहिए होता है, और एक तांबे का कटोरा चाहिए होता है, और मस्टर्ड ऑयल में पानी मिला के सर पे रख के जो है इससे इससे गोल गोल घुमाना होता है। आप लोग को दिखाया था कल के वीडियो में, तो आप लोग ये वाला आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो, शायद बिना मंत्र का भी ठीक हो जाए, क्या पता ना। ये वाला आप लोग ग्रास को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पूरा तोड़ के लाया मैं। एक्चुअली जो है काफी गर्मी है, वहाँ पे धूप इतनी तेज है ना, तो बीमार होने के चांसेस है, इसलिए घर पे आके तो अभी इसे जो अच्छे से सफाई करके निकालना पड़ेगा। 27 एक आदमी को झाड़ने के लिए जो है 27 चाहिए होता है, तो दीदी का और जेरी का मिला के 27x2। यहाँ पे भैया अभी अच्छे से इनकी सफाई करके निकाल रहे हैं, जो भी यूज करेंगे वो वाले। अभी यहाँ पे जेरी को झाड़ फूक करने का काम शुरू हो चुका है, देखिए भैया जो है मस्ताद ऑयल में कैसे कर रहे हैं जड़ी बूटियों को। जेरी का जो ट्रीटमेंट है वो हो चुका है, और उसको दवाइयाँ वगैरह भी दे दिया है। तो दोपहर तक मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया था, मन भी नहीं लग रहा था, और थकान भी काफ़ी महसूस हो रहा था, तो मैंने जो है एक दो घंटे का नैपिंग लिया। अभी जो है दोपहर का वक्त है, और अभी हम मैं और मंजिता जाएंगे अभी मार्केट की तरफ। एक्चुअली मार्केट में मैं अपना ब्लैक पैंथर को धोऊंगा, आज धूप दिया है ना, तो अच्छे से धो के रखूंगा, क्योंकि काफ़ी मतलब पुराना लग रहा है, एकदम बद्धा सा लग रहा है, तो अभी उसको आज एकदम हैंडसम बनाना है। और कल जो है हमारा मंदिर में खाना वाना देने का टाइम है, तो इसलिए कुछ मछलियाँ वगैरह भी खरीद के लेके आऊँगा। घर में तो कोई भी नहीं खा पाएगा, केवल मैं खा पाता हूँ, बाकी कोई भी खा नहीं पाता है वो चलाने वाला मछली ना, तो मैं भी थोड़ा सा कम करूँगा, तो एक दो पीस ही खाऊँगा खाने का तो मन करता है फिर भी। और यहाँ पे इसे देखो आज थोड़ा सा सुधार आया है, आज पूरा चल फिर फा रही है एकदम गुड, ऐसे ही सुधार आना चाहिए है कि नहीं, क्या हुआ देखो इसका आवाज़ भी चेंज हो गया, इसका पूरा मुंह से जो रौनक था ना वो चमकना वो सब कुछ चला गया। देखो कोई बात नहीं, कल परसों फिट हो जाओगे, उसके बाद फिर से चमका देंगे तुझे दुल्हन की तरह है कि नहीं। बुज्जे को देखो, बुज्जे तो पूरा घूमते रहते आजकल, घर पे पूरा बोरिंग लगता होगा इसे भी ना बुज्जे, तो अभी चले मंजिता आलसी है घूमते रहता है, अभी मंजिता और मैं जाएंगे घूमने के लिए ना, ये लोग घर पे रहेंगे हम लोग जाएंगे ना, क्योंकि मंजिता कल एक्चुअली कल इसको पहुंचाना है हॉस्टल पे, लेकिन कल नहीं पहुंचाऊंगा इसको, परसों ही पहुंचाऊंगा, कल जो है छोटा मोटा पार्टी करवाऊंगा इन लोगों का,
मंजिता का, की घर पे मीत वीत लाना भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कल तो मंदिर में ले जाना इसलिए मजबूरी में असलाना पड़ेगा। तो मैं दूसरी जगह पे जो है चिकन वगैरह पका के इसे और मानवी को खिलाऊंगा, क्योंकि अभी तक इसको अच्छे से खाने पर मिला ही नहीं, क्योंकि घर पे बीमार है तो लाने का मन ही नहीं करते। ठीक है मंजिता चले। अभी हम पहुंच चुके हैं सुपरमार्केट में, तो यहाँ पे जो है अपना ब्लैक पैंथर को रख दिया है। अभी यहाँ से अच्छे से धो के हम लोग जाएंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है क्योंकि लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी ना, अचानक से धूप दे दिया, सभी लोग अपना गाड़ी बाइक सभी मतलब धोने में लग गए हैं। बोरिंग लग रहा है क्या मंजिता? हाँ लग रहा है। ये देखो अभी स्टार्ट हो चुका है धोने का कार्यक्रम। अपना ब्लैक पैंथर जो है काफी टाइम लग रहा है धोने के लिए, और यहाँ पे मंजिता को देखो बेचारी बैठी हुई है, बोरिंग लग रही है। बोरिंग लग रहा है हाँ। बेचारी देखो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद तेरे को आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अपना ब्लैक पैंथर भी धुल चुका है दोस्तों, तो अभी आए हम लोग यहाँ पे मछली लेने के लिए। तो यहाँ से मछली एक तो लेके जाएंगे, उसके बाद मंजिता को आइसक्रीम खिलाना है, बेचारी बोर हो गई है, कब से वेट कर रही है मेरे लिए, उसके बाद ही जाएंगे। अभी मंजिता को भी आइसक्रीम दिला दिया, खाओ अभी। ठीक है, कैसा है? अच्छा है। अभी यहाँ पे मैं और मंजिता आइसक्रीम खा रहे हैं, घर पे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि जेरी लोग खा नहीं सकते हैं, तो वो लोग को देख के एकदम मुंह में पानी आ जाएगा ना, इसीलिए ना। और मम्मी ने कॉल किया है प्याज ले जाने के लिए, प्याज खत्म हो चुका है, तो आधे रास्ते से गाँव के दुकानों से लूंगा प्याज, उसके बाद जाएंगे घर ना, बिल्कुल शाम होने को चला है। अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के दुकान में दोस्तों, यहां से प्याज लेके जा रहा हूं, जैसा कि मम्मी ने कहा था 1 किलो, और मंजिता को शैम्पू चाहिए बोला क्योंकि परसों ही जाएगी ये हॉस्टल में, तो इसलिए चाहिए होगा हॉस्टल में। कहां से चाहिए? हाँ ब्लैक वाला सनसिल्क। अच्छा, अभी हम घर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल शाम होने को चला है, और वहां पे देखिए चंदा मामा बिल्कुल गोल गोल और बुज्जे बुज्जे। चलो अभी मछली निकाल लेते हैं। यहाँ पे मम्मी देखो शाम के डिनर के लिए क्या क्या पूरा मिक्स वेजिटेबल एकदम ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल सफाई कर रही है, सभी लोग खा पाएंगे। और यहाँ पे मछली रख दिया है, इससे तो पका के रखना पड़ेगा, कल मंदिर पे ले जाके देना है। और अभी मुझे जाना पड़ेगा कहीं और ना, मुझे मुझे चलोगे मेरे साथ? एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा मामी लोगों का उधर में, वहाँ पे जो है मुझे दिखा है लौकी और लौकी के साथ, तो जेरी और दीदी को खाने के लिए कुछ सब्जी मतलब मिलता नहीं है, तो लौकी बेस्ट होता है बोला सुना है, कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं, तो इसलिए जाऊंगा अभी मैं लौकी और लौकी के साग लेके आऊंगा। अगर साग नहीं मिलता है तो भी लौकी मिलने से काफ़ी है। यहाँ पानी में देखिए दोस्तों कितना मूवमेंट हो रहा है ना, साफ मछलियाँ हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे मछलियाँ। बचपन में हम लोग इस इलाके में काफ़ी फिशिंग किया करते थे, बचपन में एक्चुअली ऐसा तालाब नहीं था, बिल्कुल नदी की तरह क्लियर पानी था, पूरा पत्थर वत्थर थे, हम लोग यहीं पे नहाते थे, और यहाँ पे धान की खेत वगैरह भी नहीं होती थी उस टाइम पे, यहाँ पे तो पूरा हुक से हम लोग फिशिंग करते। वहाँ पे देखिए मामा जी लोग अभी भी यहाँ पे धान की खेत मतलब कर रहे हैं, वहाँ से लगा लगा के आ रहे हैं। अभी पहुंच चुका हूं, एक्चुअली भैया भाभी का है ये वाला घर, नए नए घर पे शिफ्ट हुए हैं, और यही लोगों का है। यहाँ पे लौकी आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे लौकी 2 तू लगे हैं, सुबह में 1 तू और दिखाई दिया था लेकिन कोई लेके गया होगा शायद, यहाँ पे देख सकते हैं, वाह बढ़िया है, वाह 1 तू ही काफी होगा। भाभी अभी तोड़ रही है, और भी लग रहे है देखिये यहाँ पे छोटे छोटे बिल्कुल, और कुछ दिन के बाद बड़े बड़े हो जाएंगे, बस काफी है। तो यहाँ पे ले लिया है, देख सकते हैं दोस्तों 1 तुई काफ़ी है, साग तो फिलहाल नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उसमें जो है अभी ये लौकी लगने वाले हैं, तो साग अगर ज़्यादा तोड़ेंगे तो मतलब नुकसान हो जाएगा ना, इसीलिए। तो भाभी जो है पैसे लेने से इनकार कर रही थी, बट मैंने जो है 10 रुपया थमा दिया हाथ में, तो उन्होंने ले लिया है क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, तो फ्री में ले जाने का मन नहीं करते, और ड्राई फिश वगैरह कुछ भी खा नहीं पाएंगे जेरी लोग, और हम लोग ये बिना ड्राई फिश का खा नहीं सकते यार, तो बॉयल खिलाएंगे हम लोग, उसमें थोड़ा सा फ्रॉन्स दे के, ज़्यादा नहीं बस कम मात्रा में देखे बॉयल करके खिला देंगे आज। अभी शाम का वक्त, हमारे घर का नज़ारा देखिए, आसपास में कोई नहीं है, बस केवल हरियाली ही हरियाली है, और इधर में चंदा मामा निकल आया है काफ़ी खूबसूरत, और यहाँ पे पेड़ पौधे, बस यही हमारे गांव का नज़ारा। अभी घर पहुंच गया, और यहाँ पे मैंने जो है लौकी रख दिया है, और मम्मी वहाँ पे जो हम लोग जो मछली लेके आए थे उसको पकाने का कार्यक्रम चल रहा है उधर में ना मंजिता। ये तो आज पूरा बोर हो गई मेरे साथ जाके ना, अभी मत जाओ ठीक है, अभी मुझे फिर से गांव का दुकान में जाना पड़ेगा। यहाँ पे साग को भी बॉयल कर रहे हैं, अभी देखो थोड़ा थोड़ा तंदुरुस्त हो गया ना, हाँ ये भी हो गया, और तू हुआ कि नहीं? हो रही हूँ। अच्छा, बस खांसी बहुत है, खांसी अच्छा। जब होती है ना पूरा इतना पेन होती है, कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे ठीक है। अभी
ये वाला तुम लोग मत खाना, ये हमारे लिए होगा, बॉयल करूंगा मैं ये बम्बू सूप के साथ, और ये होगा आप लोग का। और मम्मी यहाँ पे ड्राई फिश काट रही है, और अभी मैं ये तैयार कर देता हूँ आप लोग के लिए लौकी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी चम्मच से छील रहा हूँ, ये मेरा तकनीक है, चाकू से छीलने का जरूरत नहीं है। ये देखिए चम्मच से चाकू है हमारे लिए, वाह देख रहे हो कितना मजे से छील रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए अभी मामू चलते लौकी को काट, अरे गिरा दिया। हाँ, अभी इसके ऐसे ही चार टुकड़े कर दूंगा मैं। अरे लाइट को क्या हो गया, बहुत डिस्टर्ब है ये लाइट। हाँ डिस्टर्ब है ना। इतना बड़ा बड़ा पीस चाहिए बोलो, इतना काफी है। हाँ। देखो मामी यहाँ पे बैठी हुई है, वो क्या दुखी का जैसा बैठी हुई है मामी। मम्मी यहाँ पे खाना दुखी है बीमार का वजह से। हाँ। इसलिए दुखी का जैसा बैठी हुई है। हाँ। अंदर ही अंदर बहुत खुश हूँ। अभी यहाँ पे मम्मी खाना बना, दिखाओ। ये मीट बॉयल कर लो मैं। अच्छा मीट बॉयल। यहाँ अभी बिठा दिया है मैंने बॉइलिंग पे दोस्तों, जो लौकी है, और यहाँ पे मछली भी बॉइलिंग पे बिठा दिया है। ये जो है फर्मेंटेड बम्बू सूप यहाँ पे रेडी है, तो ये जेरी लोगों ने बनाया था, जेरी और मम्मी ने मिलके, तो उसी से मैं आज बॉइल करूंगा। लेकिन बेचारी जेरी ने खुद बनाया, खुद खाने नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी दुख की बात है। ठीक होने के बाद ठीक से खाना, ठीक है। इन लोगों को बहुत जोर से भूख लग रहा था बोला, इसलिए ये लोगों ने निकाल लिया है डिनर, क्योंकि आज थोड़ा सा फिटपाट लग रहा है और भूख भी लग रहा है। एक्चुअली बहुत दिनों से इन्हें जो है भूख भी नहीं लगता, खाने पीने का भी मन नहीं करता है ना। तो यहाँ पे मम्मी ने बैंगन की सब्जी बनाई है, ये लोग के लिए नहीं, ये सुइटेबल नहीं है। ये लोग के लिए ये वाला है साग बिल्कुल ग्रीन, और यहाँ पे जो है ये वाला बॉयल है आपका, यहाँ पे लौकी का बॉयल विद ड्राई फिश। तो ड्राई फिश जो है ज्यादा नहीं खा सकते, लेकिन ड्राई फिश के बिना जिंदगी भी हम लोग का जीना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ड्राई फिश देख के ही दिया है इन लोग को खाने के लिए। तो अभी खाओ एकदम मजे से, ठीक है। और मेरा मछली जो है यहाँ पे बॉयल हो रहा है, अभी इसमें बम्बू सूप देना पड़ेगा। यहाँ पे रहा बम्बू सूप, और यहाँ से बम्बू सूप ऐसे निकाल के सीधा यहाँ पे दे देना है दोस्तों। ये यहाँ पे देखो जेरी का थाली, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल खाओ, फूल गर्म लग गया। और यहाँ पे दीदी भी मंजिता भी खा रही है, मछली के लिए वेट करो थोड़ा देर ना। अभी यहाँ पे फर्मेंटेड बम्बू सूप भी दे दिया है, और मजे से उबल रहा है, देखिए एकदम गल 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 कर रहा है। और यहाँ पे ये लोगों ने तो डिनर निकाल के खाना भी स्टार्ट कर दिया। अभी मछली बॉयल भी हो चुका है पक्के तैयार, मुझे भी भूख लग रहा है, ये लोग के साथ खाने का मन कर रहा है मुझे भी। तो अभी हम भी खाते हैं, मम्मी खा लो आप भी। अभी यहाँ पे मेरा थाली देखिए, यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल भी ले लिया, मछली बॉयल भी ले लिया, और बैंगन भी ले लिया। इसी के साथ करते हैं आज का डिनर, मम्मी भी आ चुकी है, मम्मी भी खाएगी बोल रही है मछली, लेकिन अभी नहीं थोड़ा देर बाद। और मंजिता को भी दे दिया, लेकिन ये लोग नहीं खाएंगे ना। अभी डिनर होने के बाद सभी लोग बैठ के यहाँ पे गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, मम्मी अपना हुक्का तान रही है, और यहाँ पे आज जो है थोड़ी बहुत खुशी वाली माहौल हो गई है, क्योंकि ये लोग का हेल्थ जो है काफी सुधार आया है, और आज थोड़ा बहुत जो भी खान पान है उसमें थोड़ा सा सुधार आया है, उसमें भी आज थोड़ा सा खा पाए हैं ये लोग, जो आपका ये लौकी की सब्जी थी उसके साथ, और ग्रीन वेजिटेबल थे बहुत सारे, तो उनके साथ खाया। तो आई होप कि कल से एकदम बढ़िया से रिकवर हो जाओ, और आप लोग की दुआएं रही। आप मुझे लगता है आप लोगों ने भी, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी प्रे कर रहे थे, और असली में भी किए होंगे, तो उसका उस कारण भी काफ़ी मतलब सुधार आया होगा इन लोग के हेल्थ पे। तो ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अभी मैं रात को एकदम नहाया हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, और ऊपर से गर्मी भी रात को बहुत ज़्यादा होती भी है, तो मुझे फ़ैन चलाने के लिए अलाउड नहीं है। जेरी को जो है ठंड लगती है ना, तो साथ में सोते हैं, तो मतलब फ़ैन का हवा अगर उसको लगती है तो फिर से बुखार हो जाएगा। इस डर से जो है मैं भी सेक्रीफाइस करता हूँ फ़ैन का हवा को, तो इसलिए रात को मैं भी गर्मी में ही सोता हूँ, तो इसलिए नहा के ही सो रहा हूँ। तो आज जो है काफ़ी खुशी हो रही है कि दीदी का और जेरी का हेल्थ में काफ़ी सुधार आया है, तो धीरे धीरे और दो तीन दिन में तो फुल मतलब फिटपात हो जाएंगे, तो आप लोग के दुआएं रहे तो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखना, दुआएं रखना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दिल दिन बाय बाय, मिलते कल एक और नए व्लॉग के साथ।